क्या लगता है रानी जी, आपको लगता है देश में हर किसी को बराबर मौके मिलते हैं, हर एक का सम्मान होता है, औरतों की, महिलाओं की, सबकी? वैसे पहले के मुताबिक तो अभी हिंदुस्तान काफी बदल गया है, हमारा सम्मान तो हर जगह मिलता ही है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ और जगह की बात होती है सोशल मीडिया की, जब उस पर ट्रोलिंग होती है तब सम्मान मिलता है। सोशल मीडिया तो बाप रे बाप, क्या बोलूँ मैं, अभी भी मैं बोलूँगी तो लिखेंगे 25 रुपए का डाटा दबा के ये लोग समझते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी गाली दे देंगे। तो भाई आप लोग महान है, आपको जो लिखना है लिखे, ये सुधर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है निकट भविष्य में सुधर सकते हैं? अरे नहीं सुधरेंगे, और डाटा सस्ता होगा तो कैसे सुधरेंगे, और ज्यादा होगा ना, ये लोग सुधरेंगे। ये लोग तो ऐसे कि अपना रियल नाम भी नहीं लिखते। कभी कभी रानी चटर्जी खुद शिकार हुई ऐसी ट्रोलिंग की? अरे बहुत हुई हूँ, आप ही सब नहीं पता है, बहुत हुई हूँ। शादी से मिलने के बाद भी हो जाऊँ, कई फोटोज को लेके होती हूँ, फिल्मों को लेकर होती हूँ, तो मुझे लगता है ये भी एक हिस्सा है लाइफ का। लेकिन जिसे लेकर आप सबसे ज्यादा ट्रोल होती थी, बड़ा हुआ वेट, वो मुझे लगता है वो मसला खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब लोगों को तकलीफ ये है कि कुछ खाया करो, कुछ खाती क्यों नहीं, अब ये इस बारे में ट्रोल करते हैं, तो अब मैं उन लोगों को क्या करूं? नहीं वैसे ये फिल्म मुझे लगता है आपके पुराने वाले अवतार की आखिरी, इस सीरीज की आखिरी फिल्म है। यस, मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि फैटी बॉडी की मेरी आखिरी फिल्म होगी बेबी साल खिलाड़ी। अच्छा आप लोग कपिल शर्मा के शो में गए थे रानी जी, और बहुत सारा वहाँ पे उसके बाद बातें कही जा रही है कि आप लोगों का मजाक उड़ाया गया, उस चीज को लेकर बहुत सारी बातें ट्रोल की गई। रानी चटर्जी को कैसा लगा कपिल शर्मा का पूरा एक्सपीरियंस शो का? बिल्कुल नहीं, अगर मजाक उड़ाया गया होता तो हम वहाँ जाते ही नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उन लोगों ने मजाक उड़ाया, मस्ती कर रहे थे, हम सब बहुत हंस रहे थे, बहुत ही रिस्पेक्ट दी कपिल जी ने, पूरी टीम ने, ऑलमोस्ट अर्चना भगत सिंह जी ने खेसारी जी के डांस पे उन्होंने भी ठुमके लगाए, निरहुआ रिक्शा वाला जब निरहुआ जी ने गाया, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा मजाक नहीं उड़ाया गया। ये देखिए लोगों को बोलना है तो कुछ तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना तो लोग बोलेंगे। कहा यह गया कि कौन सी इसलिए नहीं गई क्योंकि ट्रोलिंग होती है, पवन जी ने बोला ये? नहीं तो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को कौन जानता है उन लोगों को जिन्होंने बोला, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ नहीं, वो बिजी थे, पवन जी बिजी थे, वरना पवन जी आते, रवि जी भी बिजी थे, वरना उनको भी वहाँ पर इनवाइट किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों वहाँ नहीं पहुँच पाए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट कभी टाइम होगा तो डेफिनेटली वो दोनों भी जाएंगे। बिजी तो निरहुआ भी चुनाव में थे, बट उन्होंने टाइम निकाला, बिजी मैं भी थी, मैंने टाइम निकाला, खेसारी जी भी बिजी थे, हम सबने टाइम निकाला, बट वो लोग नहीं निकालते। चलिए फिल्म के मुद्दे पे लौटता हूँ, रजनीकांत जी बताइए जरा बेमिसाल खिलाड़ी के बारे में, आप फिल्म को बना दी, ट्रेलर रिलीज कर दिया, इसमें बाकी चीजें क्या जुड़ी हुई हैं, इसे गाने कितने हैं, किस किस ने गाए हैं और आप कितने रोमांस कर रहे हैं बाकी लोगों का क्या? बेमिसाल खिलाड़ी में 9 गाने और 9 के 9 गाने हमारे धनंजय मिश्रा जी उन्होंने इसको बनाया, हर एक बीट पे ध्यान दिया है गाने पे, एक गाना आदित्य जी और भावना जी पे है, और बाकी 2 गाने हैं हम पर भी, 3-4 गाने हैं ग्लोरी पर, 2-2 गाने हैं, एक सैड सॉन्ग है आदित्य और भावना जी का, और एक रोमांटिक सॉन्ग है, 2 सॉन्ग है राइट। आई थिंक नहीं ऐसे बोलो, म्यूजिकली फिल्म है, हर फ्लेवर का सॉन्ग है इस फिल्म में, रोमांटिक, छेड़छाड़, सैड, और आई थिंक टाइटल ट्रैक भी है ना, कुछ टाइटल ट्रैक भी है, यस, तो मतलब सारे फ्लेवर्स मिलेंगे म्यूजिक में इस फिल्म में। भावना जी आपका सैड सॉन्ग में क्या सिचुएशन है? पहले तो मैं आप सभी को हेलो बोलना चाहूंगी, हेलो। दूसरा सैड सॉन्ग, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि दीपक संदीप ने इतना काम कराया, ना सोने देते थे, बस रुलाते रहते थे, वो तीन मेरी पिक्चर का स्टार्टिंग ही सैड सॉन्ग से हुआ, और रोते रोते मेरी आंखें इतनी सूज गई, मुझे लगा बाकी फिल्म में मैं क्या करूँ, लेकिन वाकई में वो जब सैड सॉन्ग मैंने देखा वो बहुत अच्छा था, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे अंदर से इतना पोटेंशियल मेरे डायरेक्टर निकाल लेंगे इस तरीके से, इन्होंने सच में बहुत दुख दिया इसलिए मैं सच में रो रही थी। मैं उम्मीद करूंगा कि जब फिल्म रिलीज हो तो जितना आपने रोया है उससे 10 गुना ज्यादा आपको। त्रिपाठी जी कैसा सफर था बेमिसाल खिलाड़ी का, कुछ अड़चने आई या आई ना? काफी अड़चने आई, काफी परेशानी आई, लेकिन सबका साथ था,
और जैसा कि चल रहा है आजकल सबका साथ सबका विकास, वैसे ही हुआ, सबने बहुत कोऑपरेट किया, सारी परेशानियां धीरे धीरे जैसे आती थी वैसे खत्म भी हो जाती। हमारे गांव के, हमारे घर के, हमारे अपने रजनीकांत उसमें कितना स्टार मटेरियल आपको नजर आया इस तरह के फिल्म में? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि रजनीकांत जी के अंदर बहुत डेप्थ है एक्टिंग की, और इनके अंदर मैन है, डायरेक्टर कितना निकाल लेता है, इनके अंदर डेप्थ है। और इन फ्यूचर एक अच्छे आर्टिस्ट, आपको एक अच्छा हीरो और मार्केट में आ रहा है, ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है और नए लोग आना चाहिए, मैंने पहले भी कहा। गौरी जी कैसी हैं आप? ऐसा लग रहा था जैसे पीछे बच्चे बैठे हैं, बैठे नहीं। आप फिल्म के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस, आपने गाने की कितने गाने का आपने रजनीकांत जी? हरिजिस्तान जो फिल्म है ये कब तक आपकी शुरू होगी? हरिजिस्तान बेमिसाल खिलाड़ी के रिलीज के बाद हम शूट पे जाएंगे, उसके पहले ऑन माय डेट्स एंड यस ऑफ कोर्स सॉरी आई कुडंट इन्फॉर्म यू गाइस। रानी जी मतलब रानी जी लॉक हो गई, इनका डेट अवेलेबल होना चाहिए, लॉक करा लिया खुद को, मतलब ये पूरी टीम लॉक है ना, मतलब पूरी टीम का जैसे डेट मिलेगा तो उस फिल्म का शेड्यूल बनेगा, राइट ना? इसमें सबसे बात चल रही है और आगे हम उसको लेके आएंगे। इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, फिल्म बेमिसाल खिलाड़ी बन के रेडी है, अश्लीलता से काफी दूर, कोशों दूर है इसमें। अश्लील हमने स्टार्टिंग में ही डायरेक्टर सर ने और हमने ये प्लान किया था कि अश्लील से दूर बनाएंगे हम फिल्म को, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्लूज उन्होंने दिए सर ने जब म्यूजिक की शूटिंग होती थी हमारी, तो गाने बहुत खूबसूरत हैं, सीन बहुत ही प्यारे फिल्माए गए हैं आगरा के लोकेशन पे और मुंबई के लोकेशन पे, फिल्म बहुत अच्छे से बनकर तैयार है। मैं चाहता हूँ हमारी देश की, हमारी भोजपुरी समाज की जनता इस फिल्म को अपना आशीर्वाद और प्यार दे, जैसे कि मेरी पहली फिल्म है, मैंने पूरी कोशिश की है और मेरे डायरेक्टर, मेरे को एक्टर्स रानी जी, आदित्य जी, भावना जी, ग्लोरी जी, पूरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे मुझे ये सपोर्ट मिलता रहे। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, बेमिसाल खिलाड़ी को अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जब फिल्म रिलीज होगी आपसे फिर हम रूबरू होंगे और पटना में हम सोच रहे हैं फिल्म रिलीज से पहले मार्केटिंग के लिए हम एक बहुत बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले, जहाँ पे आपको हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से थिएटर में रिलीज कर रहे हैं बिहार और झारखंड। एक मेरा पसंदीदा सवाल जाते जाते रानी चटर्जी को पूछना चाहता हूँ। रानी जी, चुनाव का मौसम है, बहुत सारे भोजपुरी आर्टिस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि उनके टिकट मिलेंगे, वो चुनाव लड़ने वाले, दिनेश जी तो इनफैक्ट नॉमिनेट भी हो गए हैं, रानी चटर्जी को कोई ऑफर है इलेक्शन में? मैं जानता हूँ कि रानी चटर्जी जो भी बोलेंगी सच बोलेंगी, दिल से बोलेंगे, सो प्लीज स्पीक अप। ऑफर है कि यही पूछा ना मुझे? ऑफर तो हमेशा आते रहते हैं। अच्छा, तो आप रिजेक्ट क्यों करती हैं? एक बार तो उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था मुझे। अच्छा, क्यों? क्योंकि 2014 में कुछ आया था, तो 25 साल होने के लिए मुझे 3-4 महीने बाकी थे, तो उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। आते रहते हैं ऑफर, बट मे भी हो सकता है आगे चल के मैं भी फिर से ये कम उम्र की दिखने लगी, अभी फिर से रिजेक्ट हो जाएंगे, तो अभी ये क्वेश्चन आप 5-10 साल बात कर रहे हैं। इलेक्शन तो लड़ रही, लेकिन इलेक्शन में गिरोवा लड़ रहे हैं, उनके कैंपेनिंग में सपोर्ट करने के लिए क्या रानी चटर्जी आएंगे? मैं राजनीति में लेकिन कोई कमेंट नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इतना कहूँगी जनता से कि अच्छा नेता चुने, देश के लिए देश का सोच कर चुने, अपने बंद कर दो बाद में बंद करता हूँ बाबू। देखो अखिलेश यादव को किसको रानी चटर्जी किसको सपोर्ट करती है, अखिलेश यादव को या दिनेश लाल यादव? चुप रहो, रानी चटर्जी अभी फिल्म के प्रमोशन में आई है, आनंद ये फिल्म को प्रमोट कर रही है, किसी कैंप को भी प्रमोट नहीं कर रही है। 10 दिन बाद पछताओगे, आनंद मानना मत, प्लीज काट देना, ये कटेगा नहीं, नहीं कैसे कटेगा, लाइव फेसबुक पे है रानी चटर्जी, रिपोर्टर को धमकी होगा तब पता, ठीक है मैं सपोर्ट करती हूँ हमारे मेरे दोस्तों को, जो जो जितने दोस्त मेरे खड़े हैं चुनाव में उन सबको मेरा सपोर्ट है, बस इतना कहना चाहूंगी कि वो लोग अच्छे नेता बने, जितने अच्छे अभिनेता है उतने अच्छे नेता भी। थैंक यू।
अच्छा छोड़ दिया इसलिए माइक चुरा लिया तेरा शिवानी हाय मैं इसलिए उसका माइक चुरा लिया फालतू फालतू बोलेगा दूर से सुनेगा इसलिए किसी किसी का रोल है कांग्रेस।